इस टाइम खड़े हुए हम शाने चौहार घाटी गढ़ आमरगढ़ में। यहाँ पर जो है माता भद्रकाली के जी का मंदिर है। ये जो है बड़े देव भूल नारायण और प्रभु नारायण जी की जो है लाजली बहन है। और इस मंदिर में आके हमें जो है काफ़ी सुकून मिला और काफ़ी जो यहाँ पर जो आपको आपको लोकेशन के बारे में बताएं तो आपकी जो लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है। और आज तो वैसे मंदिर बंद है लेकिन कपाट अभी खुले नहीं हुए। अब कम से कम 17 तारीख को जो है इधर खेल का आयोजन किया हुआ है और उसमें जो भंडारा में आप आ सकते हैं। तो अब हम आपको जो है थोड़ी सी लोकेशन बताते हैं कि जो यहाँ पर इस दूरी पर जो है 100-200 मीटर की जो दूरी पर भी है राम नारायण जी का मंदिर है। यहाँ पर जो आज राम नारायण जी के मंदिर में जो है खीरा का जो है खीर का जो भंडारण जो लगा हुआ है भंडारा लगा हुआ है उसमें जो है सभी बहुत लोगों के करीब पता लगे खड़े हुआ। अभी तो बारिश हो रही है हल्की हल्की और नज़ारा जो है काफ़ी देखने लायक है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपको लोकेशन बताएँ तो यही जो मकान भी बना हुआ है जो लकड़ी के मकान है जो आसपास जो घर घूर है उधर भी जो लोगों के घर भी है। और जो माता का मंदिर बना हुआ है वो भी जो है पहाड़ी शैली से बनाया हुआ है क्योंकि स्थानीय मिस्त्री ने इसको जो है कारीगरी की हुई है जो काफ़ी अच्छी है। और जो हम आपको जो बताएंगे जो है यहाँ पर जो है जो आप जो वाटरफॉल है जो इस टाइम जो है बरसात के मौसम में जो काफ़ी अच्छी धुंध भी है आप देख सकते हैं कि ये देख रहे हैं अभी तो इस टाइम धुंध पड़ी हुई है लेकिन जब आप ये मौसम जब धुंध इधर से हट जाएगी तो ये जो नज़ारा है हकीपुर का जो है इधर जो है एक नज़ारा हो जाता है देखने लायक जो है एक ऐसी जगह है। और जो वाटरफॉल इस टाइम जो है काफ़ी ऊंचाई से जो वाटरफॉल है पानी गिर रहा है उस भी और इसके नीचे जो काफ़ी घर है और ये यहाँ पर जो हरियाली है क्योंकि बरसात का मौसम तो है ही और नज़ारा देखने लायक है। और मैं तो बोलता हूँ कि ये स्वर्ग से कम नहीं है जहाँ पर जो नारायण जी और माता भद्रकाली जी और विराजमान हो रही है। और आपको देखने मिल सकता है कि अगर अभी मंदिर के नीचे जो है अभी मंदिर का काम चला हुआ मंदिर परिसर का और जो मेन मंदिर जो जो नारायण जी का ऊपर रहता है और जो अभी नया मंदिर जो बना हुआ है कम से कम 80 लाख की लागत एस्टिमेट बता रहा हूँ मैं आपको। तो 80 लाख जो एस्टिमेट बताते हैं जब भी मैंने इसके कागजार को पूछा है इतना बताते हैं तो अभी इधर काम चला हुआ है। अभी धीरे धीरे जो वहाँ पर देवदार के पेड़ के लगाने की भी योजना है और माता ने तो इधर लगाए हुए हैं जो इधर अभी बढ़ रहे हैं छोटे छोटे जैसे देवदार के पेड़ भी हैं और जो जिसके हम अपनी मकर मछली के जो बांध के पौधे भी बोलते हैं। और यहाँ पर हम जो आपको नीचे की लोकेशन बताएंगे जो क्योंकि ऊपर कितना पानी चल रहा था आपको कि हम मंदिर के पर अंदर ही थे लेकिन हम जो आपको बाहर का नज़ारा भी बताएंगे कि बाहर का नज़ारा एक देखने लायक है। आखिर मैं भी जो है आमरगढ़ में जो करौनी नारायण और जो माता भद्रकाली के मंदिर में जो पहली बार आया हूँ तो मैं आपको यहाँ पर आपको कुछ बताऊँगा। जो है मंदिर की लोकेशन आप बता सकते हैं कि जो मंदिर की जो लोकेशन है काफ़ी अच्छी है और अभी तो अगर हम बता नहीं सकते जो ऊपर का नज़ारा है काफ़ी धुंध पड़ी हुई है और आप थोड़ा सा ऊपर कितना होगा काफ़ी दूर है वाटरफॉल जो है काफ़ी अच्छा नज़ारा भी मिल रहा है। वाटरफॉल जो हमने तो उसका दिखाई दे रहा है लेकिन प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी सुन रहे हैं कितने 1000 फीट है ऊपर का तो एस्टिमेट नहीं है। और इधर से जो है अगर हमने उसे हस्पुरगढ़ में जाना होगा इधर से जो है